नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 जुलाई 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2022 की पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर पेपर कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पेपर भैया दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से करिए, आराम से करिए। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया था सी टेट का, वो दिसंबर के लिए था। आपके सामने दोस्तों अपडेट भी हम आपके सामने फिर से रख दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो इस बार 14/7/2022 14 जुलाई को दोस्तों जो पब्लिक नोटिस या सार्वजनिक सूचना जारी की गई, यहाँ पर देखिए CBSE सीटेट दिसंबर 2022 साफ साफ यहाँ पर देखिए दिसंबर लिखा है। तो इस बार दोस्तों जो सीटेट का पेपर हर साल जुलाई में होता था वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि रिजल्ट हम कैसे डाउनलोड करें। DLED का जब आप प्यारा से रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट के स्टेटस में पास या फेल आपका लिखा होगा। ठीक है, एक बात और, अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन दोस्त यार DLED 2022 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, जल्द से जल्द उनके लिए आवेदन कराइए। बाकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आ रही है, यहाँ पर दोस्तों अंतिम अपडेट वही मिल पा रही है 15 जुलाई वाली की। तब तक प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट किए गए, उसके बाद कोई भी अलग से अपडेट यहाँ पर जारी नहीं किया गया। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं न्यू का लोगो ये दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर DLED 2021 इंपॉर्टेंट लिंक जरूर दिया गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट अपडेट, इसको जरा ध्यान रखा करिए, 22 दिसंबर 2021 की है। तो फिलहाल वो अलग अपडेट है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आपके सामने रख दे, कांवरियों पर आज से 3 दिनों तक पुष्प वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ व सहारनपुर मंडल में रविवार से 3 दिनों तक कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। इसी हेलीकॉप्टर से कांवर यात्रा की निगरानी भी की जाएगी। इस बीच शनिवार को लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। झंडा संहिता में बदलाव, तिरंगा अब दिन और रात फहरा सकेंगे, ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों में समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। इससे पहले दोस्तों तिरंगे को केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। ठीक है, कोई भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए, हर एक अपडेट आप तक समय से पहुँचनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को, मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि भैया रिजल्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है और कम समय में कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट के लिए वेबसाइट कौन सी बेहतर है। DLEDRESULT.com सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग DLED कर रहे हैं तो सबसे अच्छी वेबसाइट आपके लिए यही है, DLEDRESULT.com। गूगल पर जाकर दोस्तों आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी DLED रिजल्ट 2022 के नाम से। उसको ओपन करना है और DLED का रिजल्ट हो, यूपी टेट की अपडेट हो, सीटेट की अपडेट हो, या दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है, DLED 2022 एडमिशन की प्रक्रिया हो, हर एक अपडेट आप एक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। DLED 2019 और 21 बैच के लेटेस्ट अपडेट क्या है, देखिए दोस्तों 2019 बैच सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब होगा, और दोस्तों DLED 2021 बैच के छात्र इंतजार अब करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर हमारा कब तक होगा। ठीक है, तैयारी आप लोग पूरी रखिए। एक अच्छी खबर आपके सामने ये है ना कि वैकेंसी के दोस्तों अभी आसार नजर नहीं आ रहे, ये अच्छी खबर अब आपके लिए। कैसे होगी सोचेंगे यार वैकेंसी नहीं आ रही है तो बुरी खबर है, लेकिन जो बच्चे फेल छात्र हैं, जिन बच्चों का DLED में बैक बचा है, देखिएगा इस सिंपल सी बात याद रखिएगा, बिल्कुल लिख लीजिए, अगर सुपर टेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आवेदन के अंतिम दिन तक अगर आपका टेट क्लियर नहीं हो पाता, रिजल्ट ऑनलाइन नहीं आ पाता या DLED का बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आ पाता, तब आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम गलत नंबर डाल देंगे उसके बाद करेक्शन का मौका मिलेगा सुपर टेट में, उसके बाद मामला संभल जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, फिर ये नियम के विरुद्ध होगा। सुपर टेट में आवेदन के अंतिम डेट तक आपका DLED का रिजल्ट, चाहे ऑनलाइन वाला हो वो आ जाना चाहिए, और आपका टेट का रिजल्ट भी ऑनलाइन वाला आ जाना चाहिए।
क्योंकि जब आप सुपर टेट का फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर इन रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, फेल छात्र ने तो भैया अपने लिए भी सोचिए, दूसरों का भला में मत जाइए कि सोचिएगा कि चलो भैया कल से भर्ती के लिए आवेदन आ जाए, लेकिन आप बाहर हो जाएंगे उसके बाद कब वैकेंसी आएगी भगवान भरोसे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर से आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आया था आपको पता है? 2018 में आया था, 2018 में आया था। सोचिए 2019 का साल बर्बाद हो गया बच्चों का, 2020 का साल बेकार हो गया, 2021 का साल बेकार हो गया, 2022 चल रहा है, सोचिए चौथा साल कोई वैकेंसी नहीं। तो सोच लीजिए कि अगर आज वैकेंसी आ जाती है 2022 में, फिर 2023, 24, 25 तक भूल जाइएगा, 2026 से पहले उम्मीद मत रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग तैयारी करिए कि आपका टेट हर हालत में इस बार क्लियर होना चाहिए, किसी भी कीमत पर, इतनी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लापरवाही कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप लोग सोचते हैं चलो छोड़ो यार, छोटी मोटी गलती है, अगली बार देख लेंगे। गाइस, अगली बार के लिए सालों का इंतजार आपको करना पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम बार बार आपको यही समझाते हैं। सोचते हैं दोस्तों कि आप लोग की नौकरी एक ही बार में लग जाए, काफी बच्चे सोचते हैं चलो अगली बार हम देख लेंगे, जब वैकेंसी हर साल आएगी तब आप देखेंगे ना। और देखिए आपके साथ CBSE ने भी भैया धोखा कर दिया। सोचिए जो CTET का पेपर हर बार साल में 2 बार होता था, इस बार जुलाई में आवेदन नहीं लिया जा रहा। कोरोना के मामले कितने कम है, अगर चाहती भैया CBSE तो आपका पेपर करा सकती थी, तो ये भी तो आपके साथ धोखा हो रहा ना। नहीं तो आपको दोस्तों देखिए मेन बात क्या है, यहाँ पर आपको 2 मौका मिल जाता था। ऐसे क्या होता था कि CTET का पेपर साल भर में 2 बार होता था, तो आपको चलिए पहली बार नहीं निकला, दूसरी बार एक ही साल में 2 बार मौका मिला। अब जैसे आप लोग UPTET का पेपर देते, लास्ट टाइम आपने TET का पेपर दिया होगा, अगर आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप इस बार UPTET का पेपर देंगे। लेकिन इस बार जब आप पेपर देने पहुंचेंगे तो आपका 1 साल बीत चुका होगा। तो वैसे दोस्तों CTET के साथ भी वैसा ही लग रहा नजर आ रहा है, CTET से और उम्मीद कम होती जा रही, क्योंकि देखिए CTET में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेपर अब ये ऑनलाइन कराएंगे। अब भैया इनकी इतनी औकात तो है नहीं कि पेपर आपका एक दिन में करा दे, तो सीधी सी बात है दोस्तों शिफ्ट वाइज पेपर होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है, इससे बच्चों का नुकसान होता है। UPTET का पेपर बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए, CTET में दिक्कत क्या फिर आपको बता देते हैं। कुछ शिफ्ट का पेपर आसान आ जाएगा, कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन दोस्त ये मत सोचिएगा, देखिए अगर आपके शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन है लेकिन आपके शिफ्ट में सभी टॉपर बच्चे बैठ गए, तो भैया CTET का ही वो पेपर तो आसान है, क्योंकि आपके साथ टॉपर बच्चे थे उनका नंबर अपने आप अच्छा हो जाएगा, और आप कमजोर छात्र थे तो आपका नंबर नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यही सब फायदा नुकसान है गाइस, नुकसान ज्यादा है फायदा कुछ नहीं है। CTET का पेपर भी अगर ऑनलाइन हो तो एक दिन में करा के ये दिखाएं, ठीक है 1 डे में करा के दिखाएं ना, इतनी हिम्मत है तो। उसके बाद दोस्तों समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, अलग अलग शिफ्ट का पेपर होता है, उसके बाद देखिए अब बताइए सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने एक और बताते हैं। पहली बात तो ये जो फॉर्म के पैसे सामान्य जनरल या OBC कैटेगरी के छात्रों को 1,000 रुपये एक पेपर का देना पड़ता है, पेपर 1 या पेपर 2, चाहते तो ये 600 रुपये में भी तो ले सकते थे ना। 2 पेपर का दोस्तों जब 1,200 रुपये हो रहा तो 1 पेपर का कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो 600 रुपये आता है। लेकिन दोस्त इनकी गणित अलग है, यहाँ पर सीधे तौर पर भैया बिजनेस हो रहा है, ठीक है इनको फायदा देख रहे हैं अपना, बच्चों का नुकसान। मतलब मान लीजिए कि किसी बच्चे का भैया पेपर 1 निकल गया, वो सिर्फ पेपर 2 देना चाहता है, तो क्यों बच्चा वो 1,000 रुपये लगा, 600 में भी तो काम हो सकता था ना। लेकिन दोस्तों जानबूझकर बच्चों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है चाहे वो SC ST या विकलांग कैटेगरी का छात्र हो या जनरल या OBC कैटेगरी का छात्र हो। तो गाइस अब आपके सामने सब कुछ है, कुछ भी छिपा नहीं है, हर जगह दोस्तों सिर्फ बिजनेस हो रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, DLED की लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है जहां से आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। लगातार चेक करिए, रिजल्ट का लिंक अब किसी भी वक्त एक्टिवेट होगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, ठीक है ज्यादा लेट लतीफी की गुंजाइश भी नहीं है। और गूगल से रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है और सर्च क्या करना है, DELED RESULT.com DELEDRESULT.com आपको सर्च करना है। जैसे दोस्तों आप लोग DELEDRESULT.com वेबसाइट सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने दोस्तों वेबसाइट आ जाएगी DELED RESULT 2022। आपको इसको सिंपल सा ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा DELED फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2022, ठीक है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको CTET रिजल्ट की अपडेट चाहिए या CTET 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ से दोस्तों अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। UPTET का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, DED प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा या नहीं, पूरी अपडेट यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपको डीएलएड की परीक्षा डेट शीट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें डीएलएड का रिजल्ट देखना, तो सिंपल द क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी रिजल्ट का लिंक दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर स्पूटनिक, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, पिछला स्पूटनिक रिजल्ट आप देख सकते हैं। 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड रिजल्ट था दोस्तों, यहाँ पर अपडेट है। उसके बाद आप देख सकते हैं हर एक अपडेट रिजल्ट यहाँ पर दी जाती है। फिलहाल दोस्तों हमें रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का देखना है, तो किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट देखना तो यहाँ पर डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2022 लिंक एक्टिवेट सून। जी हाँ दोस्तों, अब ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का लिंक जो है बहुत ही जल्द एक्टिवेट होने वाला है। अगर दोस्तों आप पुराना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, आपको एक नए पेज के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया डीएलएड स्कूटनी परिणाम घोषित, कई फेल तो पिछला रिजल्ट था, तो हर एक रिजल्ट की अपडेट आपको dlrizult.com वेबसाइट पर मिल जाती है। तो गाइस इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे एक बात और आपको बता दें, जब रिजल्ट आता है तो पहले दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस जारी किया जाता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, सब कुछ आपको वेबसाइट के माध्यम से बताया जाता है। और आपको दोस्तों बता दें जब रिजल्ट घोषित होता है, ठीक है, जैसा कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ ऐसा शो करेगा, यहाँ पर आपके इंटरनल नंबर, एक्सटर्नल नंबर, ये सब शो करेंगे। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का देखिए जो बैक पेपर का रिजल्ट या शूटिंग रिजल्ट आता कुछ ऐसा शो होता है। तो हर एक अपडेट आपको dlrizult.com वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। तो लगातार दोस्तों चेक करते रहिए और ये लिंक बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने वाला है। और उम्मीद है कि जब आप इसको चेक करेंगे तब तक लिंक एक्टिवेट हो गया होगा। चेक करिए और अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड करिए।